हमारी छोरियां छोरों से कम है के। दंगल फिल्म का ये डायलॉग हर किसी की जुबान पर चढ़ा रहता है। आखिर हो भी क्यों ना, हर क्षेत्र में महिलाएं अपना लोहा जो मनवा रही है। कभी रसोई के कामकाजी और घर की चार दीवारी में अपना पूरा जीवन बिताने वाली मातृशक्तियां आज पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही है। वे घर और बाहर दोनों में संतुलन बनाए हुए हैं। हालांकि समाज में बैलेंस बनाने के चक्कर में वो अपने शरीर का ध्यान रखना भूल जाती है। अपने ऊपर ध्यान ना देने से वो अपने शरीर में पनपने वाली कई ऐसी बीमारियों को अनदेखा कर रही है जो आगे चलकर उनके लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर, मैं आपके साथ अंशिका। आज हम आपको एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रही हैं जो मालूम तो मामूली पड़ती है लेकिन आपको दिक्कतों में डाल सकती है। दरअसल हम बात कर रही हैं पीसीओडी यानी पॉलिस्टिक ओवरी डिजीज या फिर पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, जिसे आम भाषा में पीसीओएस कहते हैं। ये महिलाओं में बेहद आम समस्या हो गई है। पहले ये समस्या 30 से 35 साल की महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती थी, लेकिन अब 18 से 20 साल की लड़कियों में भी पीसीओडी की दिक्कत आम हो गई है। इस समस्या को पीसीओएस के नाम से भी जाना जाता है। बहरहाल पीसीओडी एक हार्मोनल समस्या है जो महिलाओं में उनके खराब लाइफस्टाइल के कारण पनपती है। ऐसे में आज हम आपको ये बताएंगे कि महिलाओं में होने वाली ये बीमारी कितनी खतरनाक है और इसके क्या लक्षण है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि पीसीओएस या फिर पीसीओडी होता क्या है। पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम को आम भाषा में पीसीओएस कहते हैं। इसे पॉलिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर यानी पीसीओडी भी कहा जाता है। ये गंभीर हार्मोनल समस्या है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक और प्रजनन संबंधी समस्याएं आती हैं। पीसीओएस का ओवरी पर बुरा असर पड़ता है जिसकी वजह से महिलाओं के प्रजनन अंग प्रभावित होते हैं। प्रजनन अंग की शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनाता है जो पीरियड्स को संतुलित रखता है। एक शोध की माने तो हर 10 में से एक महिला इस डिसऑर्डर से पीड़ित है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि इसके लक्षण क्या होते हैं और आप इस बीमारी को कैसे पहचान सकते हैं, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस हार्मोनल डिसऑर्डर से केवल एक परेशानी नहीं होती बल्कि ये आपके पूरे शरीर को प्रभावित करता है। सबसे पहले अगर आपको अनियमित पीरियड्स आ रहे हैं यानी एक लंबे समय तक दर्द के साथ पीरियड्स का रहना पीसीओएस का सबसे आम संकेत है। जैसे साल में 9 पीरियड्स से कम होना, 2 पीरियड्स के बीच में 35 दिनों से ज्यादा का अंतराल और असामान्य रूप से बहुत अधिक पीरियड होना। अतिरिक्त एंड्रोजन महिलाओं में कई बार हार्मोन के असंतुलन के कारण पुरुषों वाले हार्मोन ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण चेहरे और शरीर पर जरूरत से ज्यादा बाल आने लगते हैं और कभी कभी चेहरे पर बहुत ज्यादा मुहासे होने लगते हैं। ये सारे पीसीओएस के संकेत हो सकते हैं। पॉलिस्टिक ओवरी, इस स्थिति में ओवरी यानी अंडाशय बढ़ने लगते हैं जिसकी वजह से एग के चारों तरफ फॉलिकल की संख्या बढ़ने लगती है और ओवरी सही से काम नहीं कर पाती। मोटे लोगों में ये समस्या काफी ज्यादा गंभीर होती है। शरीर में इंसुलिन का ना बनना, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो शरीर में पाचन तंत्र को खाने से मिलने वाले शुगर को बनाने में मदद करता है। पीसीओएस होने पर महिलाओं में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है जिसकी वजह से शरीर पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इस दबाव की वजह से ओवरी पुरुषों वाले हार्मोन्स निकालना शुरू कर देती है। इस बीमारी का सबसे गंभीर लक्षण इनफर्टिलिटी है। कई बार महिलाओं को मिसकैरेज और प्री मैच्योर बर्थ जैसी गंभीर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा महिलाओं में हाई ब्लड शुगर, गर्भाशय का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। अब एक सवाल आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या ये बीमारी जेनेटिक होती है। वैसे तो अभी तक पीसीओएस के सही कारणों का पता नहीं चल सका है। इस विषय पर दुनिया भर में शोध चल रहे हैं। कई शोधों में ये पाया गया है कि पीसीओएस की समस्या अनुवांशिक भी है, यानी आपके घर में पहले से ही कोई इस बीमारी से पीड़ित है तो आपको ये समस्या होने की संभावना अधिक रहती है। आखिर पीसीओएस से बचने के उपाय क्या हैं और आप इससे कैसे खुद को सुरक्षित रख सकते हैं? तो सबसे पहले नियमित व्यायाम करें। यानी अधिकतर महिलाओं में पीसीओएस होने पर शरीर का वजन तेजी से बढ़ने लगता है, साथ ही इंसुलिन का स्तर भी बढ़ जाता है। ऐसे में महिलाओं के लिए रोजाना सुबह व्यायाम करना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम करने से वजन नियंत्रित होता है।
खाने पीने में बदलाव भी आपकी काफी मदद कर सकता है। कुछ शोध बताते हैं कि कम कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें खाने से वजन और इंसुलिन दोनों कंट्रोल में रहता है, इसलिए अपनी डाइट में फल, हरी सब्जियों, साबुत अनाज का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आपका भोजन कम तेल से बना हो, ऑयली फूड आपको नुकसान कर सकता है। काफी लोगों को चाय पीना पसंद होता है, लेकिन अगर आप इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो कॉफी के जरिए कैफीन लेना बंद कर दें। ऐसा संभव ना हो तो दिन में केवल एक या दो बार ही इनका उपयोग करें। अल्कोहल और शुगर की मात्रा को भी बहुत ज्यादा सीमित कर दें। इसके साथ ही जंक फूड से भी दूरी बना लें। इसकी जगह अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स, नट्स, दूध, दही, छाछ, फ्रूट और फिश जैसी हेल्दी चीजों को शामिल करें। अगर ये सब करने के बाद भी आपको ज्यादा परेशानी हो रही है तो आप डॉक्टर से परामर्श लें। वर्किंग वुमन हो या फिर छोटी उम्र की लड़की, हर किसी को अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए और पर्याप्त आहार लेना चाहिए ताकि आप अपने साथ अपने परिवार का भी ध्यान रख सके। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया पब्लिक खबर।